याचिकाकर्त्या रंजना यांच्याशी बातचीत केली आमच्या प्रतिनिधी शिवांगी ठाकूर यांनी. याचिकाकर्ता रंजना जी हैं और उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे. वीडियो आपने भी देखा है, वीडियो देखने के बाद आप लोग इंतजार भी कर रही थी कि वीडियो की कॉपी बाहर आए, उसके बाद आप लोग वीडियो देखेंगे. वीडियो देखने के बाद आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली वीडियो देखने के बाद तो हम यही कहेंगे कि भगवान वहाँ विराजमान है और भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं और कितनी बर्बरता के साथ हमारे भगवान 350 वर्ष से अधिक वहाँ वजू खाने में रहे, जहाँ लोग थूकते रहे, अपमानजनक तरीके से अपमान करते रहे. इससे क्या ज़्यादा कहें, दिल में तो बहुत ही तकलीफ हुई. लेकिन अब चूंकि वीडियो भी वायरल हो गया है और हमारे पास जो चारों लिफाफे थे वो एज इट इज़ रखे हुए हैं, सील मोहर रखी लगी हुई थी, वो अभी दिखाए जा चुके हैं जज सर द्वारा. कल कोर्ट में उनको हम जमा करके सरेंडर कर देंगे. यानी आप लोग लिफाफा नहीं खोलेंगी और आप लोग वो वीडियोज़ नहीं देखेंगे? हाँ, लिफाफा नहीं खोलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि बीच में ऐसा षड्यंत्र और कुचक्र हो गया है. अब इसे किसने किया है वो कोर्ट के सामने संज्ञान में लाना होगा, कोर्ट जो चाहेगी एक्शन लेगी. लेकिन आप लोग वीडियो देखने के बाद जैसा लगातार कह रहे थे कि वो शिवलिंग ही है और आसपास का जो मलबा है उसको हटाया जाए, उस बात को लेकर वो तो हम लोग जब सूट प्लेंट ड्राफ्ट हो रहा था तभी हम लोगों के दिमाग में था और हम लोगों को पता था कि यहाँ पर मस्जिद नाम की कोई चीज़ नहीं है और भगवान अवश्य निकलेंगे, नंदी का मुंह उधर है. और अब तो सामने साक्षात प्रमाण आ चुके हैं. और एक सवाल, मुस्लिम पक्ष ने आज नहीं ली कॉपियाँ, नहीं ली, क्या लगता है क्यों नहीं ली? अब मुस्लिम पक्ष ने कॉपियाँ क्यों नहीं ली वो जाने, उनका काम जाने. हम लोगों ने अपना पैसा जमा करके कॉपियाँ ली और चारों लिफाफे वैसे ही रखे गए, खोले नहीं गए. लेकिन ये किस षड्यंत्र के तहत कौन षड्यंत्रकारी हैं जिन्होंने ये हरकतें की हैं, उनके साथ जो है कोर्ट को चाहिए, कोर्ट अपना जो भी चाहेगी एक्शन लेगी. लेकिन आप लोगों का बहुत मन था कि पूरा सर्वे का वीडियो जो है आप लोग देखें. आज आप लोगों के पास कॉपी भी है पर आप लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि नहीं देखें. हम बिल्कुल, हम अपने को अनुशासन बनाए हुए हैं क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि वादी लोग जो इसको कहीं भी लीक नहीं करेंगे. वो तो अच्छा हुआ कि वीडियो मिलने के बाद हम लोगों ने उसको खोला नहीं, अगर खोल दिया होता तो पता नहीं क्या होता. लेकिन ये है कि ईश्वर की कृपा रही वीडियो खोला नहीं. और खोलने के पहले ही जब मोबाइल देखा तो उसमें जो है ये दिखाई पड़ा लीक हो गया. कहाँ से लीक हुआ? तो उसको हम लोगों ने रख के एज इट इज कोर्ट रखा हुआ है. बिल्कुल पयुधी, तो देखिए साफ तौर पर जो याचिकाकर्ता महिला है वो यही कह रही है कि हमारे पास जब आज वीडियो आया है कोर्ट की सुनवाई के बाद तो हमने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा, लेकिन हमें मीडिया के माध्यम से और बाकी तमाम जगहों से ये वीडियो देखने को मिला. और वीडियो देखने के बाद संतुष्टि इस बात की जरूर है कि जो ये कह रहे थे, जिस तरह की बातें ये कह रहे थे, बस वैसा ही वीडियो में देखने को मिल रहा है. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळ म्हणजे